वेलकम बैक। HDFC बैंक ने अपने क्रेडिट कार्डों की रेंज लॉन्च कर दी है। HDFC बैंक ने पिक्सल प्ले क्रेडिट कार्ड, पिक्सल गो क्रेडिट कार्ड, दो क्रेडिट कार्ड लॉन्च करे हैं। मिनिमम 8,000 रुपये की सैलरी पर ये क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएंगे। पेजअप से इन क्रेडिट कार्डों को आपको अप्लाई करना है। अगर आप पेजअप यूज ज़्यादा करते हैं तो आपको ये क्रेडिट कार्ड आसानी से मिल जाएंगे। बिगनर के लिए बेस्ट क्रेडिट कार्ड है और इन क्रेडिट कार्डों पर आपको 1% का अनलिमिटेड कैशबैक मिल जाएगा। तो इन दोनों क्रेडिट कार्डों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ अब तक। मैं हूं धीरज, आप देख रहे हैं टेक धीरज। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाला हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम से आप तक पहुँचता रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे HDFC पिक्सल प्ले क्रेडिट कार्ड के बारे में। इस क्रेडिट कार्ड पर आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। जो 5% का कैशबैक मिलेगा फिक्स कैटेगरी पर मिलेगा। 5 कैटेगरी डिसाइड की जाती हैं, उनमें से आपको 2 कैटेगरी आपको चूज करनी होंगी। उन पर ही आपको 5% का कैशबैक मिलेगा और हाईएस्ट 500 रुपये का कैशबैक 1 महीने में आप ले पाएंगे। इनकी अगर कैटेगरी की मैं बात करूं, एंटरटेनमेंट और डाइनिंग पर आपको जोमेटो और बुक माई शो पर ऑफर मिलेगा 5% अर्न करने का। इलेक्ट्रॉनिक की अगर मैं बात करूं तो वो आपको मिलेगा रिलायंस डिजिटल या फिर क्रोमा। फैशन की अगर मैं बात करूं तो मंत्रा और नायका। और ग्रोसरी की अगर मैं बात करूं तो ब्लैंकेट और स्मार्ट बाजार। ट्रैवल की अगर बात की जाए तो मेक माई ट्रिप और ऊबर। ये 5 कैटेगरी में इनको डिवाइडेड किया गया है। उनके साथ 2 ब्रांड दिए हुए हैं, उनमें से आप चूज कर सकते हैं। उन पे अगर आप स्पेंड करेंगे तो आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। 5 कैटेगरी में से सिर्फ 2 पर ही आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। 1 महीने में आप 2 कैटेगरी चूज कर सकते हैं। जैसे ही आप 2 कैटेगरी चूज करेंगे उन पर ही आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। बाकी पर आपको नॉर्मल 1% का कैशबैक मिलना स्टार्ट हो जाएगा और 1 महीने में हाईएस्ट 500 रुपये तक का कैशबैक आप ले पाएंगे। जो कैशबैक मिलेगा वो मिलेगा कैश पॉइंट के रूप में। यहाँ पर 1 कैश पॉइंट की वैल्यू 1 रुपये के बराबर होगी। इसके अलावा आपको 3 कैटेगरी और दी जाती हैं जिन पर आपको 3% का कैशबैक मिलेगा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन और पेजअप। इनमें से आपको 1 चूज करना होगा जिस पर आपको 3% का कैशबैक चाहिए होगा। हाईएस्ट आप 500 रुपये का कैशबैक ले पाएंगे इन तीनों में से 1 कैटेगरी पर। अदर कैटेगरी पर आपको 1% का कैशबैक मिलेगा, वो भी अनलिमिटेड रहेगा। वॉलेट, रेंट, फ्यूल, EMI ट्रांजेक्शन और गवर्नमेंट रिलेटेड ट्रांजेक्शन पर यहाँ पर आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। बट यहाँ पर इंश्योरेंस पर आपको 1% का कैशबैक यहाँ पर मिल रहा है, वो अच्छी बात है। इसके अलावा 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा। हाईएस्ट 1 महीने में 250 रुपये तक का फ्यूल सरचार्ज वेवर इस क्रेडिट कार्ड से आप ले पाएंगे और मिनिमम ट्रांजेक्शन आपका 400 रुपये होना चाहिए, तभी आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर इस क्रेडिट कार्ड पर मिलेगा। 25% का आपको डिस्काउंट मिलेगा स्विगी डाइन आउट पर। हाईएस्ट 300 रुपये का डिस्काउंट आप ले पाएंगे। अब बात करते हैं HDFC पिक्सल गो क्रेडिट कार्ड के बारे में। इस क्रेडिट कार्ड पर आपको 3% और 5% का कैशबैक नहीं मिलेगा, बाकी सब कुछ एज इट इज सेम रहेगा जो कि पिक्सल प्ले क्रेडिट कार्ड पर था। ठीक है, इस क्रेडिट कार्ड पर आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं, कार्ड का कलर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पर आप अपना स्टेटमेंट डेट चेंज कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप स्टेटमेंट डेट डिसाइड कर सकते हैं। वो सारे फीचर्स आपको पेजअप में मिलेंगे। ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड पर। इन दोनों क्रेडिट कार्डों पर आपको जो कैश पॉइंट मिलेंगे उनकी वैलिडिटी 2 साल की होती है। 2 साल से पहले आपको अपने कैश पॉइंट रिडीम कराने होंगे, वरना ये एक्सपायर हो जाएंगे। अगर आप इन क्रेडिट कार्डों को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज 21 साल से 60 साल होनी चाहिए। पिक्सल प्ले क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए मिनिमम 25,000 रुपये सैलरी होनी चाहिए और पिक्सल गो क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए मिनिमम 8,000 रुपये सैलरी होनी चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं और इन क्रेडिट कार्डों के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो मिनिमम ITR है वो 6,00,000 रुपये की होनी चाहिए, तभी आप इन दोनों क्रेडिट कार्डों को आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करें क्रेडिट कार्डों के ज्वाइनिंग फ़ीस और एनुअल फ़ीस की। अगर मैं बात करूं HDFC बैंक के पिक्सल प्ले क्रेडिट कार्ड के ज्वाइनिंग फ़ीस और एनुअल फ़ीस की, तो ज्वाइनिंग फ़ीस और एनुअल फ़ीस बिल्कुल सेम है। ज्वाइनिंग फ़ीस जैसे ही आप पे करते हैं, कार्ड इश्यू होने के 90 दिन के भीतर अगर आप 20,000 रुपये स्पेंड कर देते हैं तो
तो आपकी जो ज्वाइनिंग फ़ीस है वो वे ऑफ़ कर दी जाएगी। अगर आप एनुअल फ़ीस वे ऑफ़ कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको साल में 1,00,000 रुपये स्पेंड करने होंगे। वही अगर मैं बात करूँ HDFC पिक्सल गो क्रेडिट कार्ड के ज्वाइनिंग फ़ीस और एनुअल फ़ीस की, तो ज्वाइनिंग फ़ीस 250 रुपये प्लस GST है और एनुअल फ़ीस भी 250 रुपये प्लस GST है। ज्वाइनिंग फ़ीस अगर आपको वे ऑफ़ करानी है तो कार्ड इशू होने के 90 दिन के भीतर आपको इस क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करने होंगे 10,000, ज्वाइनिंग फ़ीस वे ऑफ़ कर दी जाएगी। और एनुअल फ़ीस अगर आपको वे ऑफ़ करानी है तो आपको 1 साल के भीतर 50,000 रुपये स्पेंड करने होंगे, तब आपकी एनुअल फ़ीस है वो वे ऑफ़ कर दी जाएगी। इस कार्ड पर मेरे ओपिनियन की अगर मैं बात करूँ तो ठीक ठाक क्रेडिट कार्ड है, एवरेज बेनिफिट मिल रहे हैं। इसमें एक अच्छा बेनिफिट है कि 1% का अनलिमिटेड कैशबैक दोनों ही क्रेडिट कार्डों पर आपको मिल रहा है। इंश्योरेंस पर भी आपको 1% का कैशबैक मिल रहा है, तो ये क्रेडिट कार्ड बेटर हो सकता है इंश्योरेंस पेमेंट के लिए। और ये मिनिमम 8,000 रुपये की सैलरी पर आपको मिल जाएगा। अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए बेटर ऑप्शन है पिक्सल प्ले या फिर पिक्सल गो क्रेडिट कार्ड।